सोलन में आज हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस से केंद्र सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालकर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप का घेराव किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली और सांसद वीरेंद्र कश्यप का पुतला फूंका। सांसद वीरेंद्र कश्यप के घर के समीप पुतला जलने को लेकर युवा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच काफी झड़प भी हुई। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये रैली भाजपा के बीते 4 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार व सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा, जो कि पुतला खींचने में नाकाम रहा। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने कहा कि आज उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा और सांसद वीरेंद्र कश्यप का पुतला फूंका है। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी वो इसी तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से नशे के काले कारोबारों पर अंकुश लगाने की अपील भी की। लोकतंत्र के अंदर आवाज जो उठाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है, उसको दबाने की जो पुलिस प्रशासन ने आज कोशिश की है वो बिल्कुल नाकाम रही। उनका पुतला और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी शव यात्रा निकालने में यूथ कांग्रेस के साथी पूरी रूप से कामयाब रहे हैं। और सवाल जो आप करने के लिए, और पुलिस प्रशासन ने इस आंदोलन को जो शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे थे उसको कुचलने की कोशिश की, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे साथियों के साथ लाते मुके इन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया वो बहुत गंदा है। मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ और उनको सलाह देना चाहता हूँ, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर और इस जिले के अंदर खासतौर पर जो नशे की परंपरा, जो पंजाब का जो कल्चर यहाँ पर पनप रहा है, उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? लगता है या तो इनकी मिली भगत से वो धंधा पनप रहा है। उसका भी हम आने वाले समय में प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बजाय हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने के बजाय जो इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो बिगड़ी है और जो नशा पनप रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई करे, बजाय यूथ कांग्रेस के साथियों पर हमारे ऊपर केस बने चाहे लाठीचार्ज हो, हम उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।